पिछले दिनों में बहुत मजाक उड़ाया गया एक सॉन्ग का, यीशु ने गड्डी देती उस सॉन्ग का। आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे लोगों को जाके बोल, जितने इस आवाज को सुन रहे हैं या सुनेंगे, मेरे लोगों को जाके बोल कि मैं उन्हें गाड़ियां दे रही। वेलकम इन होली गोस्ट पावर्स YouTube चैनल। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में एक गाना ब्रदर आशा गिल द्वारा जो गाया गया था, गाड़ी देती यीशु ने, इसका काफ़ी विरोध किया गया लोगों के द्वारा और काफ़ी गलत कमेंट्स किए गए इसके विषय में। दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से लोगों ने इनके विषय में कहा था और ब्रदर आशा गिल ने क्या कहा इस कमेंट्स को लेकर के। कदों पता लगा गीत तुहाडा वायरल हो गया? देखो जी, मैंने तो पता नहीं है, तो मैंने 3 दिन बाद पता लगा जी गीत थोड़ा चलन दिया, तो भी तुम्हें पाया। किन्ने क्या तुम्हें आगे किन्ने दस्या? पास्टर करनैल जी आ, मेरा भतीजा ही है जी, उन्हें मैंने दस्या जी। तो मैं जो सुनया, मैं मैंने तो पता ही नहीं, तो जो मैं पढ़िया नहीं जी, बिल्कुल नहीं पढ़िया जी। तो मैनू कई मुंडिया ने कमेंट जो लोग गलत करते दस्या जी, तो मैनू बड़ी परेशानी आ गई जी, तो बहुत मैं टेंशन जी लैन लग पाया जी। मैं सोचता है भी ये बंद कराने में चैनल जिन्हें पाया गीत, मैं बंदा लभन लग पाया भी, मैं लभदे जी बंदा जी। चेतक चैनल पर पाया ना ये गीत? हाँ जी, नहीं चेतक रिकॉर्ड ने जी मेरा रिकॉर्ड किया गीत जी। अच्छा, अज तो 7 साल पहला जी ये पाया जी गीत उन्हें, तो जाने कि यह जो गीत पाया इंस्टाग्राम से, किसी ने चोरी करके जी क्लिप चुक के जी पाया गीत जी, ये मैंने पूछा नहीं जी उन्हें जी। तो उदों मैं बड़ा परेशान हों, तो हूँ उस वीर का मैं भी धन्यवाद करता भी चलो वधिया कीता ने जो भी आ, तो भावें मजाक च पाया, तो चलो परमेश्वर का धन्यवाद, नाले परमेश्वर का नाम उच्चा है, तो नाले चलो मैनू लोग जानन लग पे जी, वो नाम के कारण ही जानन लग पे जी मैनू। मैं तुम एक गल कही कि 7 साल पुराना गीत सीगा और रातों रात वायरल हो गया किसी सज्जन ने, जिदा तुम धन्यवाद करते हो, शुक्रिया अदा कर। दोस्तों, आपने सुना कि ब्रदर आशा गिल ने इस गाने के विषय में क्या कहा। अब हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें अपोस्टल अंकुर यशुप नरोला जी ने इस थर्सडे नाइट मीटिंग में कष्ट निवारण सभा में लोगों को इसी गाने के विषय में किस तरह से ब्लेस किया। उन्होंने बताया कि जिस गाने का लोग विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा है कि उसी गाने की तरह लोग तुम्हें गाड़ियों के साथ ब्लेस करेंगे, जैसा इस गाने में बोला गया है वैसा ही परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले दिनों में बहुत मजाक उड़ाया गया एक सॉन्ग का, यीशु ने गड्डी देती उस सॉन्ग का। आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे लोगों को जाके बोल, जितने इस आवाज को सुन रहे हैं या सुनेंगे, मेरे लोगों को जाके बोल कि मैं उन्हें गाड़ियां देने जा रहा हूं। और सुनो मेरी बात, चाहे तुम्हें रिजेक्शन मिली हो, चाहे वो तुम्हें गाड़ी ना मिली हो, पहले किसी ने मना कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, इस क्रिसमस से पहले तुम अपनी गाड़ी, अपने बाइक, अपनी स्कूटी के ऊपर बैठे हो और सुना मेरी बात, ये इस मंडे से आप देखेंगे जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, अगर कॉल सेंटर का कोई व्हाट्सएप नंबर है तो उसे दिखाओ जरा, आप अपनी गाड़ियों की पिक्चर इस नंबर के ऊपर मुझे भेजें, मैं उसे शेयर करूंगा। गड्डी देती हूं नहीं यीशु ने सच्ची मुच्ची, यस, और ऐसा होगा आपके साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो अपने मसीही लोगों को, टू मच कार्स मैंने देखी हैं, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां मैंने देखी हैं आपकी लाइफ में, अब अपनी गाड़ी में जल्द बैठे होंगे यीशु के नाम। आप जानते हैं जब दुश्मन आपका मजाक उड़ाता है, वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो आपकी एक गवाही को पैदा कर रहा है। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास नहीं है, आप इसको करके देखिए, चाहे आपको विश्वास नहीं है आप जाइए, सारी फॉर्मेलिटीज जो पूरी होती हैं कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं आप गाड़ी जल्द ले लेंगे, बाइक जल्द ले लेंगे,
जल्दी एक्टिवा के ऊपर होंगे अपनी। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा उसने मुझे स्पेशल कहा मेरे लोगों को बोल कि वो जाएं, क्योंकि वो ग्रेस उनके ऊपर आ चुकी है। जस्ट वो इसके लिए काम करना शुरू करें, जस्ट काम करना शुरू करें। तुम जल्दी जल्दी अपनी एक गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी मुझे भेजने वाले हो। यीशु मसीह के नाम में ये बात उसके लहू से सील हो चुकी है और तुम जल्दी दुश्मन को शर्मिंदा करने वाली टेस्टिमनीज के साथ आ रहे हो। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए ऐसा कि यरीहो की दीवारें गिर जाएं यीशु के नाम। खुदावंद का आत्मा कह रहा अपने शरीरों के ऊपर हाथ रखो, अपनी चेस्ट के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। याद रखो शैतान एक ढीठ प्राणी है, वो छोटी मोटी विश्वास से नहीं बल्कि एक हार्ड विश्वास से हिलता है। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के ब्लेस करो अपने शरीर को, अपने जीवन को, और बीमारी को आउट करो, कमजोरी को आउट करो। जो यहोवा की ओर से नहीं है वो शैतान, वो कमजोरी, वो बीमारी, उसे आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। पैरालाइज्ड स्पिरिट आउट इन जीसस नेम। गठिये की आत्मा आउट इन जीसस नेम। गंदगी की सारी अशुद्ध आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन स्पिरिट कम आउट, लीव दिस बॉडी नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम में हीलिंग को कमांड करता हूं। अधरंगी यीशु के नाम में चले और चंगे हो जाएं, व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाएं, नसें ब्लॉक ओपन हो जाएं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। एक्सीडेंटल रोगी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैंने परमेश्वर को अमेजिंग सेक्शन में देखा है मूव करते हुए, लोगों के बीच में मूव करते हुए, उनको हील करते हुए, डिलीवर करते, चंगा करते हुए। यीशु के नाम में तुम वापिस सेम नहीं जा रहे हो, स्किन के रोग से तुम आजाद। दोस्तों आपने वीडियो में सुना कि किस तरह से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोलाजी ने इसी गाने को ब्लेसिंग का कारण बना दिया लोगों के लिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी दबा ले ताकि आप इन वीडियोज़ को सबसे पहले देख सके। सबको जय मसीह की।